गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं ऑब्वियसली एक और प्रोडक्ट का रिव्यू। उससे पहले मैं देना चाहती हूँ एक डिस्क्लेमर। तो गाइस जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखाती हूँ उसका रिव्यू देती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जरूरी नहीं है कि आपकी स्किन पे चले या ना चले, मैं बता रही हूँ मेरी स्किन जैसी है मैं उस पे बेस पे बता रही हूँ आपको। तो लास्ट मैंने जो रिव्यू किया था उस पर काफ़ी हेट कमेंट्स आए हैं, बट आई डोंट माइंड अबाउट इट। देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से इट, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता रही हूँ। आज हम एक और लाइक अच्छे खासे ब्रांड, जो बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो ब्रांड के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ, बस द प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था वो मुझे अच्छे नहीं लगे। उसके काफ़ी प्रोडक्ट मुझे अच्छे भी लगे हैं, आई विल रिव्यू फॉर दैट ऑल्सो। अभी मैं और भी अच्छे रिव्यूज़ लाने वाली हूँ, वो मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो मैंने यूज़ किए हुए, लाइक कह सकते हो आप 6 मंथ से मैंने यूज़ किया हुआ है उनको प्रोडक्ट्स को, तो मैं उनका भी रिव्यू करूँगी। आज हम पढ़ने वाले मामाअर्थ की 2 क्रीम प्रोडक्ट्स का, मतलब प्रॉपरली नाइट क्रीम और डे क्रीम मैंने मंगाया था मामाअर्थ का। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस रिव्यू को। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया गया था कि मैं करने वाली हूँ मामाअर्थ के 2 प्रोडक्ट्स के रिव्यू, जो है नाइट क्रीम और डे क्रीम। करने वाले रिव्यू इस ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम का, और साथ ही हम करने वाले हैं नेचुरल रेडियंस डे क्रीम। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली मॉर्निंग में लगाई जाती है, जब हम उठते हैं अपना स्किन केयर करते हैं उसके लिए होता है, बट हाँ उसके अलावा हमें यूवी रेज के लिए अपना सनस्क्रीन भी अप्लाई करना पड़ता है। ये जैसे कि मॉइस्चराइज़र के लिए है, ठीक है, मैं इसका टेक्सचर हर चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, बट इसके नाम वगैरह आप जान लो पहले तो। और ये है नाइट क्रीम, ओवर नाइट क्रीम ओबियसली रिपेयर करने के लिए होता है, फिर लाइक ब्राइटन करने के लिए, ये एक्चुअली ब्राइटन के लिए और फर्मिंग के लिए। तो इसमें क्या है कि ये है नाइट क्रीम, जो मुझे इसका बिल्कुल भी लाइक प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, इसको बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। प्रोडक्ट इज़ लाइक ओकेश, आई डोंट लाइक इट दैट मच, मेरे पे काम नहीं करा है। आप ये बोलोगे कि यार आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप इस प्रोडक्ट को ख़राब बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इससे अच्छे रिव्यू भी देना चाहूँगी, मैं और भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ की, लाइक उनका हेयर मास्क और उनका फेस मास्क वो भी यूज़ करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा उनका रिजल्ट मिला है, तो मैं उसका भी रिव्यू करूँगी। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून। हम पहले करते हैं डे क्रीम का। डे क्रीम में क्या है कि जैसे इसमें SPF है 20, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा इसमें SPF और समथिंग। तो इसका पहले हम टेक्सचर की बात करते हैं। मैं पहले तो आपको ऑयली लगेगा, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ना स्मेल भी ऐसे लाइक फेयर एंड लवली टाइप है, आप खुद स्मेल कर सकते हो, बाय करके आप दे सकते हो, अगर मेरे पे बिलीव नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली इसकी स्मेल एकदम फेयर एंड लवली टाइप, और उसके बाद इसका जो टेक्सचर होता है बिल्कुल ही लाइक व्हाइटिश कर देता है आपका। तो ये ऑयली भी है, और जैसे आप लगा लोगे ना ये ड्राई तो होती है, बट जब लाइक ओवर लाइक 20 to 15 minutes विदाउट मेकअप आप रहते हो तो ये ऑयली हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया है, ये थोड़ी बहुत सही लगी है, बट इसमें थोड़ा सा स्मेल आता है लाइक फेयर एंड लवली टाइप। इसका टेक्सचर थोड़ा ऑयली है, बाद में ये और ऑयली हो जाता है। फेस इतना ऑयली मेरा है नहीं, मीडियम है, लाइक नॉट लाइक ड्राई, नॉट लाइक ऑयली। तो ये प्रोडक्ट मुझे लाइक ठीक लगा, ओकेश लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। आई एम रिव्यूइंग प्रॉपरली, नॉट सेइंग इट्स अ बैड प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। कंपनी बहुत अच्छी है, मामाअर्थ बहुत अच्छा ब्रांड है, बट आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट मेनली। डोंट ऑफेंडेड बाई माई रिव्यू गाइस, मैंने काफ़ी कॉमेंट्स देखे हैं कि आप ऑफेंडेड हो जाते हो, डोंट ऑफेंडेड, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको एज अ वीडियो एज अ वर्चुअली बता रही हूँ। इसका प्राइस मैं पॉइंट पे भी आ जाता है, इसका प्राइस है लाइक 600 rupees, इसका 599 एग्जैक्टली लाइक मैं प्राइस बताना चाहूँगी। सो ओकेश प्रोडक्ट है, इतना अच्छा नहीं कह सकती और इतना बुरा भी नहीं कह सकती, नॉट एट अ गुड पॉइंट नॉट एट अ बैड पॉइंट। तो प्राइस पॉइंट भी बहुत सही है, बट ये SPF इन्होंने जो बोला आई डोंट थिंक सो ये SPF का काम करता है, तो आई हैव टू अप्लाई लाइक SPF आफ्टर अप्लाइंग दिस। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नाइट क्रीम पे। ये मैं ओकेश प्रोडक्ट कहूँगी, बट नाइट क्रीम के बारे में हम चलते हैं, उसके में थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कह सकते हो, मैंने इसको यूज़ किया है। ओके तो मेरी स्किन थोड़ी सी लाइक मीडियम है, मैंने कहा मेरा जो स्किन है ना लाइक मेरा टचूट जो है मेरी स्किन में लाइक पिंपल्स का इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। सो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं कि इसने मुझे पिंपल दिए, कुछ नहीं दिए, बट ये मेरे को इतना लाइक इसका टेक्सचर मैं आपको बताती हूँ। इस पर अगर आप यूज़ करोगे ना बिल्कुल ऑयली सा होता है ये, हाँ मॉइस्चराइजिंग होता है कि मॉइस्चराइज के लिए आप ऑयली रखते हैं, बट मुझे ऑयली बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप डे क्रीम इतना अच्छा दे रहे हो, लाइक इतना अच्छा भी नहीं लाइक इतना डिसेंट है, उसमें लाइक स्मेल थोड़ी सी पेन लवली टाइप आती है, दैट्स ओके। बट इसमें यह है आप लगाया आपने
आप एक मिनट, आप यहाँ पे देखो, देखा है काफ़ी ऑयली है, मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है और ये एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत देर में। एब्जॉर्ब भी क्या, उसके बाद ऑयल इतनी हो जाती है फेस पे कि आपका फेस मतलब डार्क सा हो जाता है गाइस। एक होता है ना कि हम नॉर्मल हमारे जो स्किन टोन होती है उससे ज़्यादा डार्क लगता है, लाइक ऐसा लगता है हम चंपू हो गए। ये मुझे बिल्कुल भी मतलब सूट नहीं किया लाइक, और उसके बाद मुझे इस पर कुछ इफेक्ट नहीं लिखा, इसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ब्राइटनिंग एंड फॉर्मिंग। ब्राइटनिंग तो दूर की बात है, फॉर्मिंग कुछ भी नहीं इसको इफेक्ट पड़ता, बल्कि और ब्लैक फील होता है फेस, ऑयली ऑयली हो जाता है। बट ये प्रोडक्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, आई डोंट से लाइक बैड है, कंपनी बहुत अच्छी है, ममार्थ बहुत अच्छा है, बट दे हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोडक्ट्स, आई एम डैम श्योर दे हैव टू वर्क। ओके, तो अब मैं अपना एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ एज अ लाइक कस्टमर कह सकते हैं आप, कस्टमर का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट ये ऑयली है, प्रॉपर ब्राइटन करने वजह डार्क कर रहा है फेस को, अजीब सा ऑयली ऑयली हो जाता है फेस, और मॉर्निंग में उठने पर कोई इफेक्ट नहीं देखा मुझे। और हाँ, मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया है, लिया हुआ है, तो ये मेरे नया प्रोडक्ट नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को पैसे नहीं मिले तो ये कुछ भी बोल रही है, कुछ भी कह रही है, नहीं, मैं पॉइंट्स पे बात कर रही हूँ भाई, ठीक है। इसमें पहले मैंने सिलिकॉन नहीं है तो वो तो सबसे बेस्ट पॉइंट है ऑब्वियसली, ममार्थ का मंगवा। सो इसका प्राइस भी उतना ही है, 599। इसके साथ क्या है कि आपका ऑयली रहता है, मेरा हाथ अभी भी ऑयली है, ये ठीक है, ये इतना ऑयली नहीं है, बट हाँ ये कम ऑयली करता है, बट इसमें यूवी का इशू है, यूवी रेस का कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो ओवरनाइट क्रीम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, ऑब्वियसली हमने पैसे इन्वेस्ट किया तो मैं इसका एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने यूज़ नहीं किया है, डे क्रीम मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, इसमें पूरा भरा हुआ है, काश आप लोग चेक कर सकते हैं अपने हाथ, ये हैवी है और ये बिल्कुल खाली होने वाला है, बिकॉज मैंने इस, हाँ ऑब्वियसली अच्छा प्रोडक्ट नहीं है तो उसको यूज़ तो करना पड़ेगा यार, ये तो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा ऑयली है, मैंने मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ किया। तो मैं क्या करती हूँ, मेकअप के ऊपर अपना प्रॉपरली इसको ना निकाल के आइज बंद करके प्रॉपरली अपने मेकअप पर रब करती हूँ, ये ऑयली है तो ये ऑयल होता है, मेकअप ऑयल बेस्ड होती है, ये बेबी वाइप्स जो होती है उससे मैं प्रॉपरली इसे क्लीन कर लेती हूँ, जिससे मेरा मेकअप प्रॉपर निकल जाता है। वो क्रीम इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा ऑयली है, तो ऑयली क्रीम जो है ऑयल को निकाल सकती है, इसका यूज़ मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत लाइक ड्राई तो है, ये ड्राई हो जाती है बट बाद में ऑयली इफेक्ट देती है, नॉट लाइक दैट मुझे, और ये यूवी का कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है डे क्रीम, तो इसको मैं ऐसा यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मेरी काफ़ी क्रीम मैंने यूज़ कर ली है, और बेबी वाइप से क्लीन करके उसके बाद मैं प्रॉपरली फेस वॉश कर लेती हूँ। तो हमने ये इसका रिव्यू बताया है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट्स नॉट माय परसेप्शन, अगर आपको ये ऑयली आपकी ड्राई स्किन है, यू कैन यूज़ लाइक दिस वाली क्रीम, नाइट क्रीम, बट इसमें थोड़ा डार्क इफेक्ट आता है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। और वैसे ऑयली चीज़ हम अपने फेस पे लगाते हैं तो कैसा ऑयल, तेल को हम लगा लेते हैं फेस पे तो कैसा फेस होता है, चंपू टाइप अजीब सा लगता है, ठीक है। और ये होगी हमारी डे क्रीम, और इसमें यूवी का तो कुछ नहीं है, इससे अच्छा आप एक और यूवी मैं प्रोटेक्शन क्रीम बता सकती हूँ फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसके लिए भी मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी है क्रीम। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और रिव्यू वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ज़रूरी नहीं है मैं बैड रिव्यूज़ ही करूँ, गुड रिव्यूज़ भी आते रहेंगे इस चैनल पर। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना, और अगर आप लोग ये प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो और आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे और जिनको अच्छे लगे भी हैं और उसको जिनको अच्छा नहीं भी लगे, तो यू कैन लाइक टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टा आईडी कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, शो हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, और आपने यूज़ किया तो प्लीज़ मुझे बताना कैसा, आपको कैसा लगा है। तो तब तक ले बाय।